हेलो गाइज, फेसबुक अकाउंट में एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम का सलूशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने फेसबुक के सेटिंग में आता हूँ, सेटिंग में आने के बाद अकाउंट सेंटर पे आते हैं, देन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ऊपर हमारा ईमेल देखने को मिलता है, देन नीचे हमारा नंबर देखने को मिलता है। ईमेल तो सही होता है, लेकिन नंबर पे पेंडिंग कॉन्फर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। ये प्रॉब्लम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम दोनों जगह पे आ सकता है। तो अगर आपको फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है वो पेंडिंग क्यों आ रहा है, पहले ये जानते हैं, उसके बाद इस नंबर को हम लोग कन्फर्म भी करने वाले हैं, ताकि ये नंबर के साइड से जो पेंडिंग कॉन्फर्मेशन लिखा रहा है ये हट जाए, एंड ये जो नंबर है वो नंबर हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने का कारण क्या है कि जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में नंबर ऐड करने आते हो, तो नंबर ऐड करते समय आप लोग नंबर ऐड कर देते हो, लेकिन जो कन्फर्मेशन कोड जाता है उस कन्फर्मेशन कोड को फिलअप नहीं करते, सो आपका एक कन्फर्म नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आपको वो कोड नहीं मिल पाए, उसके कारण नहीं किए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग भी है जो कोड मिलने के बाद भी इसको नहीं करते, तो वो छोड़ देते हैं, तो वही नंबर जो है वो पेंडिंग में आ जाता है। या फिर जब आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हो अपने फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का, तो उस समय जो नंबर पे कोड जाता है उस कोड को नहीं फिलअप करने के कारण, आधा प्रोसेस करने के कारण पेंडिंग कन्फर्मेशन दिखता है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करना है। नंबर पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि क्यों ये प्रॉब्लम आता है, तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, फिनिश कॉन्फर्मेशन दिस नंबर, यू एडेड दिस मोबाइल नंबर प्रीवियसली बट डिड नॉट फिनिश कॉन्फर्मेशन, इट वंस कन्फर्म यू कैन यूज इट टू एक्सेस योर अकाउंट। ठीक है, एंड यहाँ भी आपको कन्फर्म नंबर करने का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पर आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलता है। जब आप लोग डिलीट पे क्लिक करते हो, तो आपको यू कैन नॉट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट वाला प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे डिलीट भी नहीं करना है हमें, क्योंकि ये डिलीट तो नहीं होगा। तो आपको जस्ट करना क्या है, कन्फर्म नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है, कन्फर्म नंबर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। ऊपर आपका नंबर देखने को मिल रहा होगा, नीचे आपका फेसबुक अकाउंट देखने को मिल रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फेसबुक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटर योर कॉन्फर्मेशन कोड, वी सेंड ए टेक्स्ट मैसेज विथ योर कॉन्फर्मेशन कोड टू नंबर। अब जो नंबर हमने दे रखा है उस नंबर पे कॉन्फर्मेशन कोड जाएगा, उस कॉन्फर्मेशन कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अभी देख सकते हो कि मेरा जो कॉन्फर्मेशन कोड है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना कॉन्फर्मेशन कोड डाल देते हैं। डालने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, हमारा ये जो नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यू हैव एडेड योर नंबर टू द अकाउंट सेलेक्टेड, क्लोज पे क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ से जो पेंडिंग कॉन्फर्मेशन था वो हट चुका है, अब हमारा जो नंबर है वो कंफर्म हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पेंडिंग नंबर को कंफर्म कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो नॉलेज वाला लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।